हेलो दोस्त, टुडेज टॉपिक इज अबाउट इंस्ट्रक्शन, BOUT, अबाउट इंस्ट्रक्शन। तो पहले अबाउट इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं वो कैसे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लेते हैं BOUT। अबाउट यानी आउटपुट स्पेसिफाइड बिट ऑफ वर्ड। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डी में KNM, यहाँ पे मैं वैल्यूज लेता हूँ। यहाँ पे आपने प्रीवियस की सेक्शन में देखा होगा कि बिट एड्रेसिंग कंसेप्ट में एक रहता है वो बिट रहता है, दो रहता है, फोर बिट का रहता है निबल। तो यहाँ पे एन जो वैल्यूज काउंट होता है वो निबल के हिसाब से काउंट होता है। अगर दो हमने दो एन ले लिए तो यहाँ पे बाइट एड्रेसिंग होता है, और तीन ले लिए तो तीन एन एन होता है, फोर ले लिए तो एक वर्ड एड्रेसिंग होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अभी बाइट एड्रेसिंग ले रहा हूँ, एंड जहाँ से हम इसको एड्रेसिंग देने वाले हैं तो यहाँ पे D0 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पहले चेक करते हैं ये इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करती है। तो मैं जस्ट एक ऑन करने के लिए, इस ऑन इंस्ट्रक्शन ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे बिट ले रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे K2M0, K2M0 मतलब यहाँ पे आएंगे M0 LD M1 LD M2 LD M3 4 M5 M6 डी M7, ये बिट यहाँ पे आएंगे। और एक मैं बिट यहाँ पे लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिट वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। ये इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं आउटपुट लेता हूँ। प्रोग्राम कंपाइल करके PLC में डाउनलोड करेंगे। सिमुलेटर ऑन करता हूँ, PLC में डाउनलोड करते हैं फिर ये प्रोग्राम और चेक करते हैं कि वर्क कैसे होता है। मैं रन मोड में डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए K0 है, K0 रहेगा इसका मतलब हमारा M0 वाला बिट ये ऑन होना चाहिए। जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देख लीजिए M0 ऑन हो गया। अब मैं इनपुट इंस्ट्रक्शन ऑन ही रखता हूँ और यहाँ डी की वैल्यू जो है, D0 की वैल्यू जो है वो चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए K1 में कर रहा हूँ, सो K1 में यहाँ पे कर दिया तो M1 ऑन हो गया। K2 कर रहा हूँ, M2 ऑन हो गया। K3 कर रहा हूँ, M3 ऑन हो गया। K4 कर रहा हूँ, देख लीजिए 5 6 7, मैं यहाँ पे 8 कर रहा हूँ अभी। अब मैं 8 कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी 8 आ गई है, लेकिन यहाँ पे M8 ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमने K2M0 ही लिया है। अगर यहाँ पे हम 4 लेते तो फिर यहाँ पे वो आगे चला जाता और 8 बिट। तो इस हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि एड्रेसिंग हमने क्या ली हुई है। अभी इससे आपको पता ये भी चल गया कि ये इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे रहती है, वर्क कैसे करती है। जो भी डी की वैल्यू हमने पुट की है वो पर्टिकुलर बिट ऑन होता है, वो वर्ड का बिट मतलब यम का ये जो बिट है वो पर्टिकुलर बिट ऑन होगा। अब मैं इसको ये बिट को ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ की वैल्यूज़ में चेंज करता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं K7 करता हूँ, 7 ऑफ हो गया। 6 करता हूँ, 6 ऑफ हो गया। म्यूचुअल में 0 ही करता हूँ डायरेक्ट, तो 0 वाला बिट ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से अपन ये बिट बी आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर कोई भी वर्ड का एड्रेसिंग का अगर आपको बिट ऑन करना है या ऑफ करना है तो उसी के लिए हमें इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा, मैं फिर से इंस्ट्रक्शन में चला जाता हूँ। इंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जो हम डी इनपुट जो लेते हैं, मतलब जो जहाँ से हमें आउटपुट ऑन करना है, तो वहाँ पर हमने आउटपुट भी ले सकते हैं, यम बिट ले सकते हैं, सेट बिट ले सकते हैं, या फिर टाइमर, काउंटर और डी बिट भी हम ले सकते हैं। डी एड्रेसिंग भी चेंज होगा।
हम यहाँ पे डी की जगह पे यहाँ पे के ले सकते हैं, हेक्साडेसिमल काउंट ले सकते हैं, इनपुट के एनएक्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हमने एक इनपुट से एक आउटपुट हम ऑन करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो काउंट कर दो, यहाँ पे भी दो काउंट कर दो, ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये एड्रेसिंग चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ M0, एंड यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसका एड्रेसिंग जो है Y0, Y1, मैं Y7 डायरेक्ट लेता हूँ यहाँ पे Y7, ओके। ये कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं। मोड में डाल रहा हूँ PLC, अब देख लीजिए ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे अगर मैं 1-0 ऑन करता हूँ, हमने 1-0 लिया नहीं, 1-0 लेना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। एक जीरो X1 M1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ Y0, सॉरी Y0 एंड Y1। मैं अभी X0 और X1 ऑन करने वाला हूँ, इस हिसाब से Y0 और Y1 ऑन होने चाहिए। देख लीजिए अभी मैं एक्स पहले ये इंस्ट्रक्शन ऑन करने पड़ेगी, तो जैसे इंस्ट्रक्शन में ऑन करता हूँ तो पहले देख लीजिए फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन जो है, कारण कि 1-0 हमारा, हमने 0 ही बटन है उसका, तो 1-0 उसका ऑन हो गया। X1 ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है, अगर 0 रहेगा तो Y0 ऑन होता है, 1-0 ऑन किया तो ये Y1 ऑन हो गया। X1 ऑन करता हो तो उसका आगे वाला बिट जो है वो ऑन होगा। तो इस प्रकार से हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्यों ये ऑन है, क्योंकि हमारा जो ये जो इंस्ट्रक्शन है अभी ऑन है, देखो यहाँ पे ये ऑन कर दिया तो Y0 जो है वो बंद हो गया। तो इस प्रकार से हम ये इंस्ट्रक्शन, बी आउट इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।